लेवल कमेटी में केस आया गार्जियनशिप का, और उसमें उसकी जो दिव्यांगन की माँ थी वो काम वाम बर्तन माँच के इधर उधर करके पैसा जुटाती थी, और उसका बाप शराबी था। हमारे उसमें समाज में गार्जियनशिप के लिए सबसे पहले बाप का नाम आता है। अब लोग, अब वो बाप इतना दुष्ट था, वो जाके कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दे रहा, साहब मैं इनका पिता हूँ, गार्जियनशिप मुझे दे, और दिल्ली में पेंशन 1500 रुपए है और कुछ और सुविधाएं। उन्होंने कहा साहब ये, और लोकल लेवल कमेटी एग्जामिन कर रही है सब की, भाई ये देख रहे हैं, कहा साहब क्या करें, बाप को मना कैसे करें, वोट कर रहा है। मैंने कहा लोकल लेवल कमेटी को पूरा अधिकार है जुडिशियसली कि वो ये देखे कि दिव्यांगजन का कौन सही भरण पोषण निगरानी ख्याल कर पाएगा। आप उसमें रीजन रिकॉर्ड कीजिए, ये शराबी है, ये उसको नहीं दिया जाएगा, लेट देम गो टू द कोर्ट। एक चीज और बता दो, लोकल लेवल कमेटी का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है। जैसे होता नहीं कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या सिविल जज का ऑर्डर, एडीजे के यहाँ अपील होगा, फिर एडीजे का ऑर्डर या डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर, आप हाईकोर्ट में जाएंगे, इसकी कोई अपील नहीं है, रिव्यू कर सकती है तो सिर्फ लोकल लेवल कमेटी, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 226 और 32 इन सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि रिट जुरिसडिक्शन कहते हैं, सिर्फ उसी के तहत आप चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट है लोकल लेवल कमेटी, उसका ऑर्डर फाइनलिटी है सुप्रीम कोर्ट। और इन इन डिसेबिलिटीज में जुडिशरी को पावर नहीं है कोई भी कानूनी संरक्षा देने का अधिकार। डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, अगर ऑटिज्म सर्वर पॉलिसी में अगर वो ऑर्डर पास करते हैं तो इलीगल है, बिकॉज देयर इज अ क्लियर कट सेपरेट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट विच इंडोर्स दैट द लोकल लेवल कमेटी इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच इज गोइंग टू इश्यू द गार्जियन सर्टिफिकेट फॉर दीज फोर डिसेबिलिटीज। व्हेन आई एम टेलिंग दीज फोर डिसेबिलिटीज व्हाई, बिकॉज पार्लियामेंट हैज मैंडेट ओनली फॉर दीज। मेंटल इलनेस है तो उसे कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, फिजिकल हैंडीकैप का उसे वहीं से अपना लेना पड़ेगा अगर जरूरत होगी देखेंगे, बट ओनली फॉर दीज फोर डिसेबिलिटीज दिस हैज बीन मेड। ट्रस्ट बनाने की क्या प्रक्रिया है, देखिए ट्रस्ट आप लोग जानिए कि पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के लिए परिवार के या एक सिमिलर माइंड के लोग जब आप मिलते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि हमें समाज के लिए या किसके लिए क्या करना है। हमारे यहाँ हमारे नेशनल ट्रस्ट एक्ट में तीन कैटेगरी के रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर माइंडेड पीपल इकट्ठा हो गए और उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अब डिसेबिलिटी में या किसी भी जिस विषय पे आपको करना है, लेप्रोसी में या जिस विषय में काम करना है, और उन्होंने पूरा का पूरा मैंडेट बनाया और सोसाइटी एक्ट में सबसे पहले उसे रजिस्टर करना होता है। लेकिन चूंकि आप अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो हमारा या पार्टनरशिप फर्म है या आप कंपनी है तो आपको उस पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रिकॉग्नाइज तभी होंगे आप। अदरवाइज आप काम तो कर सकते हैं डिसेबिलिटी फील्ड में, लेकिन वो लीगली इन्फोर्सेबल इन लॉ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई फ्रॉड हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आप उनके अगेंस्ट ना तो कोर्ट केस कर सकते हैं ना आपके अगेंस्ट वो कर पाएंगे। इसलिए इसका जो हमारे यहाँ लॉ में प्रोविजन है कि ट्रस्ट एक्ट, तो ट्रस्ट एक्ट में अगर आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वहां आप रजिस्टर करवाइए, या जैसे तो इसका एक तो जो भी आप बनाए उसके साथ में रजिस्टर करवाए और इसमें लोकल लॉयर्स हो, क्योंकि जो भी है आपके उसमें उनको आप कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग सब कुछ होता है, सोसाइटीज एक्ट का भी अलग है। लेकिन मेन ट्रस्ट का यह है कि आप उस ट्रस्ट में क्या क्या चीजें डालना चाहते हैं, किस किस उसमें काम करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से जो ट्रस्टी होते हैं शुरू में कुछ होते हैं बाद में फिर वो बदलते ही रहते हैं। अभी राष्ट्रीय न्यास में तीन तरह के कैटेगरी के लोग हैं जो कि हमारे बोर्ड ऑफ नेशनल ट्रस्ट में आते हैं। एक तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गए जिसमें तीन कैटेगरी है, ऑटिज्म सर्वर पॉलिसी मेंटल रिटार्डेशन के लोग आते हैं। दूसरा एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे आप लोग हैं इनकी एसोसिएशन, उसका भी सोसाइटी एक्ट बना के आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जो हमारे पंजीकृत संगठन है ऐसे एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स करीब 60 हैं, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस भी मैं करा ही रहा हूँ, आप लोगों को भेज ही रहा हूँ, तो अभी एकदम मेरे दिमाग में है, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटीज एक्ट में, फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट में, अब पीडब्ल्यूडी एक्ट को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और तब उसके बाद में नेशनल ट्रस्ट में उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है।
इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें सिर्फ दिव्यांगजन दिव्यांगजन, मोर देन 50% हमने इसलिए कर दिया क्योंकि मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का हमेशा ये रहता है तो कि सारे के सारे लोग अगर दिव्यांगजन हो गए उसमें, ट्रस्ट में या सोसाइटी में या कंपनी में या किसी में, तो कैसे और मोबिलिटी होगी। तो हम लोगों ने एक अपने यहाँ बोर्ड में डिसीजन किया कि 51% से ज्यादा है तो दैट वी कैन से। तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। तो ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया सिंपल है, कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, आप बना सकते हैं ट्रस्ट। आप एक बहुत से लोगों, ज्यादातर जो पेरेंट्स एसोसिएशन का उद्भव हुआ है, जो शुरुआत हुई है, वो अपने पेरेंट को ही लेके और शुरुआत किया है लोगों ने, फिर बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई। चाहे आप IICP वहां का ले लीजिए कलकत्ता का, तो वो पद्म भूषण दिखे डॉक्टर, क्या नाम है, कॉल, तो हमने उनको कई बार उसमें अपने साथ बुलाया। तो मतलब सभी का कहीं ना कहीं अपने बच्चे से शुरुआत हो के, बैंगलोर में है KPMRC डॉक्टर वेंकटेश, आदि का भी आप बता रही हैं, आदि भी वैसे ही है। तो ये ज्यादातर जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्भव है वो इसी है। उन्होंने एक पेरेंट ने पहले अपनाया, फिर लोग जुड़, जिसे कहते हैं कारवां जुड़ता गया, इमारतें बनने लगी। माता पिता का वो, मैं सॉरी टॉपिक से डेविएट हो गया, तो आदि से वो मधु जी और श्यामला जी मेरे पास आई, सर आप आइए, जैसे इन्होंने पकड़ा एक दिन हो के, सब आप आइए बताइए, कलेक्टर मान नहीं रहा, कह रहा माँ बाप के अलावा किसी को देना नहीं। तो मैंने कहा यार आप उसको रीजन रिकॉर्ड करो ना, लिखो कि बाप शराबी है ये और इसलिए माँ है, माँ को हम देते हैं गार्जियन, लेट हिम चैलेंज एनीवेयर। भाई आप देखिए, आप कोई भी, मैं तो सीधा बात कहता हूँ कि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर माई विजन शुड बी क्लियर, आई शुड बी क्लियर इन माई हार्ट कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे रीजन, और उसके बाद जिसको जहां जाना चाहे, उसको मदर को उन्होंने गार्जियनशिप दिया, दैट वॉज अपहेल्ड। वो कोर्ट वोर्ट में भी गया क्योंकि बदमाश आदमी था, लेकिन कोर्ट ने भी उनकी सुनी नहीं और माँ को ही गार्जियनशिप दी गई। तो ये प्रश्न मैंने जो कहा कि तो नो ऑब्जेक्शन होगा, भाई बाप अगर उसमें अड़ंगा फंसाता है तो कोर्ट फिर मेरिट पे डिसाइड करेगी ना, कि अगर सेपरेशन में है बच्चा जिसके पास रहेगा गार्जियन उसी को मिलनी चाहिए। ये मेरा एकदम व्यक्तिगत रूप से एकदम, जिसे कहते हैं ना, डिटरमिंड डिसीजन है। बाप वैसे भी, एक चीज मैं बता दूं, हमारी मात्र शक्ति है जो कि इतने कठिनाई से जूझ लेते हैं, पुरुषों में इतनी सामर्थ्य ही नहीं। ये मैं आज आपको बता दू, ये क्योंकि जितना डेडिकेशन, लव एंड अफेक्शन इज रिक्वायर्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ पीपल, पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर ऑटिज्म सर्वर पॉलिसी मेंटल रिटार्डेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी, दैट ओनली टेकन केयर बाय ओनली द फीमेल्स, एक्सेप्शंस मेल, अदरवाइज नॉर्मल केस। हमारे यहाँ जो सिस्टम भी, वैसे भी काम करने के लिए पुरुष जाता है, अभी भी ये इनका केयर करती है, लेकिन काम भी करते हुए, और वैसे भी अगर आप देखें तो चाइल्डहुड तक तो हमेशा जरूरत पड़ती है बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा, इवन इन एडल्ट सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। मैंने कहा ना कि हमारे स्पेशल नीड जो चिल्ड्रंस हैं या एडल्ट्स हैं, बॉन्डिंग उनकी किसके साथ होती है ज्यादा, इससे ज्यादा वो भूले। ऑटिज्म का तो आप सोचिए, अगर है कोई ऑटिज्म का बंदा तो वो दूसरे किसी से बात नहीं करना चाहता, जिससे उसका है इंटरेक्शन वो उसी से बात करेगा, उसी से आई कॉन्टैक्ट करेगा, उसी से अपनी चीजों को शेयर करेगा। तो अब ये इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी केस, जो आपने कहा सपोर्टेड डिसीजन, उसकी बात, ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट, हर एक की अपनी अलग नीड होगी, अपनी अलग चाहत होगी, सब कहा तो उसकी बात है। शादी, आपने वो टॉपिक छेड़ा था जो कि कई पहले चेयरपर्सन थी पूनम नटराजन जी, तो मुझे ये कॉन्फ्रेंस में NHRC अभी भी वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें ये टॉपिक हमेशा से रहता है। और वैसे भी वीमेन्स के लिए तो बहुत सारे, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सेल बना दिए गए हैं, वीमेन सेल सब कुछ, लेकिन हमारे दिव्यांगजन के लिए स्पेशली इंटरनेशनल लेवल और इस लेवल पर मेन चीज वही है कि हम लोग, जो मैडम ने कहा कि टैबो बना के रखा हुआ है गर्ल्स में, हालांकि अब कोएड एजुकेशन होने लगा है और बच्चे, हमारी बच्चियां वो धीरे धीरे, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान बदल रहा है, लेकिन अभी भी जो रूरल एनवायरमेंट है और जो चीजें हैं वहां, अभी भी ये चीजें कि हम लोग खुल के टॉपिक पे बात नहीं करते। मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में ही कहा था कि हमारे दिव्यांगजन भी वही है जो हम है। हम अगर हम ऋषि मुनि होके वहां चले गए तो वो भी अगर चले जाएंगे तो वही हो जाएंगे, लेकिन अगर संसार में हम रहते हैं तो जो
भूख मुझे लगती है, खाना मुझे चाहिए, मेरी भी चाहत है अगर कहीं पिक्चर देखने की, मेरी भी चाहत है कहीं घूमने की, मेरी भी चाहत है एक अच्छी पत्नी मिले, तो ये सारी चीजें उस लड़की या उस लड़के के अंदर भी होगी। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ चीजें हो गई तो उसकी वजह से उसकी उन चीजों पे कमी आ गई। ये समाज को, ये परिवार को, ये हमको भी समझना है कि वो करने लगे तो वो बड़ा वो गलत बात हो गई और बाकी जो करे वो ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि अभिभावकता किसको मिल सकती है, जो अप्लाई करेगा उसके फेवर में अगर फैमिली के सारे मेंबर्स का नो ऑब्जेक्शन होगा, लोकल लेवल कमेटी उसको मेरिट पर देखेगी। लोकल लेवल कमेटी में मैंने आपको समझाया कि उसमें कलेक्टर चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा एक दिव्यांगजन मेंबर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो गवर्नमेंट साइड से तो ये लोग होते ही होते हैं, उसके अलावा जो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट एक एनजीओ मेंबर और दिव्यांगजन मेंबर होता है। और अगर ये दोनों लोग नहीं भी हैं, इवन दो कलेक्टर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सीएमओ या सिविल सर्जन और कोई भी जो भी पर्टिकुलर जिसमें उसकी नीड की जरूरत हो, वो डिपेंड करता है केस टू केस, हर केस अपने आप में यूनिक है, उसको देके और वो रिकॉर्ड करके उनको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्चुअली दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के गार्जियन सर्टिफिकेट का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे सामने सर्वर पॉलिसी खड़ा है कोई आदमी, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कागज उसके पास नहीं। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो मैं पूरे भारतवर्ष में हमने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लेटर लिखे हैं कि आप कैंप कीजिए। डिस्पोजल के लिए हमने लिख रखा है कि आप अपने सारी पेंडिंग एप्लीकेशन का डिस्पोजल कीजिए, कहीं कोई आवश्यकता हो उसके लिए लोकल लॉयर तो उनको कीजिए। और डिसेबिलिटी खास तौर से ऑटिज्म, ऑटिज्म 2016 के पहले इंडिया में तो रिकॉग्नाइज ही नहीं था, सबको मेंटल रिटार्डेशन का ही सर्टिफिकेट मिलता था। तो कम से कम भारतवर्ष में ऑटिज्म का सर्टिफिकेशन होने लगा और एम्स के साथ नेशनल ट्रस्ट ने कोलैबोरेशन करके डॉक्टर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ ऐसे नहीं थे जो कि करना। डॉक्टर शेफाली गुलाटी प्रोफेसर एंड हेड, उनके साथ में हम लोग मेरे ख्याल से 700-800 डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुके विज्ञान भवन में हर जगह। और अभी भी हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हर स्टेट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे लखनऊ में केजीएमसी है या मेडिकल कॉलेज, उनको बुला के उनके डॉक्टर्स को, उनकी टीम को, और उनको ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो मेन चीज डिसेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन। और वो लेकिन जहां कहीं ऐसा नहीं है वहां कैंप लगा के कलेक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है, कैंप लगा के एक साथ पर्टिकुलर डे पे और उनका सर्टिफिकेशन करें, क्योंकि भारतवर्ष में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सब के एक्सपर्ट्स की वास्तव में बहुत कमी है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बीच में एक रास्ता जो हम आज की डेट में इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से देख रहे हैं वो ये है, जैसे आप एटीएम से पैसा कहीं पर निकाल लेते हैं, बैंक अकाउंट आपका एक जगह है, तो भविष्य में अगर पूरे भारतवर्ष में लोकल लेवल कमेटी इफेक्टिव ऑनलाइन सिस्टम से काम करने लगेगी तो एक तो रेपिटेशन ऑफ वर्क कम होगा, दूसरा हमारे पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, उनको बार बार उस मानसिक प्रताड़ना से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आज हमने यहां पर बनवाया कल यहां बनाया। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑटिज्म, सर्वल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज दे आर कंडीशन। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल वाला सर्टिफिकेट डॉक्टर देते हैं कि 5 साल बाद फिर रिव्यू करो, इन केसेस में तो लाइफ लॉन्ग है कंडीशन, तो कुछ चेंज ही नहीं होना है। पांच साल के नीचे का वो असेस करते हैं। एक्चुअली अर्ली इंटरवेंशन का एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है अप टू 10 ईयर्स उसकी सीवी, उसमें ये होता है कि भाई उन्होंने डायग्नोज किया, लेकिन इंटरवेंशन से 5 to 10 ईयर्स में ये उम्मीद होती है कि वो उससे बाहर निकल जाए। नहीं है। फिर सर भी यहाँ पर लगाते हैं,
और ये वीडियो की आप बच्चों के नाम मैं रिपीट कर देती हूँ, जिन बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बने हैं आप आज ही उनके नाम हमारी सोशल वर्कर मिस मालिनी सिंह के पास लिखवा के जा सकते हैं। बच्चों की संख्या अगर ज्यादा हुई तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप यहीं पर कैंप लगा के उनकी आईक्यू टेस्टिंग और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और सीएमओ सर नेक्स्ट कैंप में विद इन अ वीक यहाँ पर आकर उनको सर्टिफाई कर देंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है गार्जियनशिप का या किसी भी चीज के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जो जरूरत है वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। भाई तो पहचान लीजिए वो यहीं पर है, तो उनको आप पहचान लीजिए। मेन चीज ये है कि भगवत इस इंस्टीट्यूशन में एक शुरुआत डॉक्टर भार्गव पता नहीं वो आ नहीं पाए सर, आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे, अच्छा 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा तो अच्छा है डॉक्टर साहब रहेंगे, क्योंकि हमने जब इस पर सेमिनार किया था तो उस दिन भी ये नहीं आ पाए थे, डिप्टी सीएमओ वहां पहुंचे थे विज्ञान भवन में। तो मेन चीज यही है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का बनना भी एक बहुत बड़ा इशू है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि सिर्फ यूपी में, अक्रॉस द कंट्री, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और दिन डिसाइड कर देते हैं। पता नहीं भार्गव साहब होते तो पूछता कि भाई मुझे किसी ने बताया था, आपने बताया था बुधवार है मंडे, उत्तर प्रदेश में शायद सोमवार को एक दिन होता है कि जहां पर आप जाएंगे तो उस दिन वो असेसमेंट वगैरह वो सर्टिफिकेशन, और यहाँ तो सेक्टर 40 में हमारा NIMH का भी है ना, वहां पर भी आपको कोई दिक्कत तो हमारा नाम लेके भेजिए वहां, सब करेंगे। NIMH सर्टिफाई नहीं कर सकता है, सिर्फ आईक्यू टेस्ट कर सकता है, जो भी एक्चुअली आपको जो भी उनसे मदद आपके उस काम में, तो वो उन्होंने कई बार हमसे कहा कि साहब बल्कि आज मुझे याद नहीं आनी, मैं कह देता हूँ उनको तो दे मस भी है, क्योंकि डॉक्टर एके सिन्हा जो मुंबई में है वो जब हम लोग कर रहे थे तो वो यही पढ़ते, उन्होंने बताया था। तो मेन आपकी शुरुआत एक्चुअली फैसिलिटीज की जो होती है वो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपका कानूनी अधिकार है, दया नहीं है, कानूनी अधिकार है उस सर्टिफिकेट को लेना, और हम लोगों की ये ड्यूटी है कि हम लोग फैसिलिटेट करें उसको। अब ये जरूर है कि कानूनी जहां हमारे अधिकार की हम बात करते हैं वहां दायित्वों की भी तुरंत सोच लेना चाहिए, ये नहीं कि बेचारे वो नहीं मिल रहा है कोई आपको तो देना नहीं, फांसी लगा देंगे। तो सवाल ये है क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर लोग कम है इस फील्ड में काम करने वाले, मैंने आपको बताया कि 400 जिले तो ऐसे है कि जहां कोई है ही नहीं। सवाल वही है कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट हमने दिया, उसके अलावा कैंप लगा के कर लीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे इस फील्ड में लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, और जो मैंने कहा कि एक बार होता क्या है कि एक बार ये सर्टिफिकेट अगर बन गया तो लाइफ लॉन्ग के लिए जब हो जाएगा तो बहुत सी चीजों की फिर कमी आएगी। अभी क्या दिक्कत है कि जब तक है आप यहाँ रहे, दूसरी जगह जाते अगेन यू हैव टू स्टार्ट इंटायर प्रोसेस, फिर से आपको शुरू करना भाई कलेक्टर के एप्लीकेशन दो ये करो। बट एनीवे अभी तो हमारा राष्ट्रीय न्यास का जो अभी तक मैंडेट हमने शुरू किया कि एक लीगल गार्जियन से सर्टिफिकेट अगर ये होने लगा, और ऑनलाइन होने से सबसे बड़ी प्रक्रिया ये होगी कि वन क्लिक पर आपका पूरा का पूरा वो जो कंसर्न कॉम्पिटेंट ऑफिसर है जिसको देख के सेटिस्फाई होना है, जैसे बैंक में जाते हैं तो मैनेजर आपका तुरंत बैठा वाला आदमी क्लिक करता है सिस्टम में, आपका सिग्नेचर उग्नेचर देख लेता है, ठीक है तुम्हें पास कर देता है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर की भी सोची, क्योंकि मैंने कई डॉक्टरों से बात किया कि यार आप लोग बहुत परेशान करते हो हमारे जो दिव्यांग जन जाते हैं उनके माँ बाप पकड़ के ले जाते, बच्चा कंट्रोल में नहीं रहता, तीन तीन चार चार दिन लगा देते हो। उन्होंने जो मुझसे जवाब दिया वो कहा कि शुक्ला जी आप तो बस इसी पर है कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो, इन्हीं लोगों में से जब ये लोग कोर्ट में चले जाते हैं तो हम लोगों की क्या स्थिति बनती है, तब आप नहीं बचाने आओगे। ये एक अलग इश्यू है, मैंने कहा ना हर चीज के जो भी आदमी सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसकी बड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो पूरी प्रक्रिया जो भी आईक्यू टेस्ट है या जो भी आप कहिए जो सारे टेस्ट है वो लोग करते हैं और उसमें टाइम लगता है। लेकिन उस दौरान में खास तौर से जो सीवियर डिसेबिलिटीज के लोग हैं वो वास्तव में, अब जैसे आप और मैं तो ये कहता हूँ कभी भी हमारे दिव्यांगजनों का कभी मैडम सेमिनार कीजिए, जो करिए दो एक घंटे से ज्यादा, दो घंटे से ज्यादा कभी करिए नहीं, क्योंकि वो उनकी अपनी नीड है, वो एक साथ इतना टाइम की कंस्ट्रेंट्स है, क्या करेंगे आप, जो लॉन्ग डे फुल डे का जो हम लोग रखते हैं वो बहुत
पेरेंट्स बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम दिव्यांगजन के साथ वो सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, देन इट इज डिफरेंट। सर ऑन दैट नोट कि टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज और रिलेटेड टू जो इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं भी चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का और क्या है वो पारिषद जी भी कुछ बताएं, अब है वो हमारे बीच में, इनको बुलाइए। सर उससे पहले जो कुछ आपने कहा उसके बारे में अगर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पेरेंट्स पूछना चाहते हैं तो वो आप एड्रेस कर लें। एक सवाल मेरा था, अगर गार्जियनशिप के लिए मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है और किसी दिव्यांग जन के बहन या भाई या जो भी रिलेटिव्स हैं, एक से ज्यादा लोग गार्जियनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें क्लैश है, दोनों गार्जियनशिप चाहते हैं, उस केस में क्या हो सकता है? देखिए जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है या किसी चीज का डिस्प्यूट जब होता है तो जज के सामने जब मैटर जाता है तो दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये मेरा है ये मेरा है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बस आपको इस इशू को एड्रेस करना चाहूंगा कि एक बच्चे को लेके राजा के, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि राजा के दरबार में पहुंचे, दोनों माएं लड़ रही थी, बच्चा मेरा है ये बच्चा मेरा है। अब दोनों का क्लेम था बच्चा मेरा है, राजा ने बुलवा के कहा कि अच्छा ठीक है ये दोनों लड़ रही है तो ऐसा करो इस बच्चे को ले आओ, तलवार से आधा आधा काट दो, इसको दे दो आधा इसे दे दो। उसमें से एक औरत जो तुरंत थी दो में से, उसने तुरंत कहा नहीं साहब ये बच्चा मेरा नहीं है, आप इसी को दे दीजिए। और राजा ने उसी समय एक निर्णय लिया कि अब ये बच्चा इसी का है, क्योंकि कोई भी माँ अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं दे सकती और उस बच्चे को दे दिया। सवाल ये है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वंदना जी ये बताया था कि हर केस लोकल लेवल कमेटी में एक लॉयर भी है, एक दिव्यांगजन मेंबर भी है, कलेक्टर खुद है इन सोशल इश्यूज को समझने के लिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, उसके अलावा और भी अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, ऐसे केसेस में ये उनको डिसाइड करना ऑन मेरिट कि किसके मींस देखे जाएंगे, इस बहन के पास मींस क्या है, बच्चा किसके पास, बॉन्डिंग उसकी अच्छी है, रहना चाह रहा है। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द लोकल लेवल कमेटी एंड देन ओनली द गार्जियनशिप सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड। सो मान लीजिए आपकी बिल्कुल बात सही, अगर दोनों नॉर्मली उन्हीं के कोई, हम वैसे मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ गार्जियन बनने के लिए माँ बाप के अलावा कोई जल्दी तैयार नहीं होता, 90% केसेस में सिर्फ माँ बाप ही, चाहे वो बेचारे 90 साल के हैं चाहे जो हैं, कोई ना उनके परिवार का जल्दी आता। मैं तो चाहता हूँ एक चीज हमने लॉ में बस प्राविधान जरूर कर रखा है, अगर फीमेल कैंडिडेट है, मान लीजिए पर्सन दिव्यांग फीमेल है, तो उसके साथ गार्जियनशिप सिर्फ मेल को नहीं दी जाएगी, उसके साथ एक फीमेल भी रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो इश्यूज हैं उनको जो को गार्जियन है उसके साथ में, अदरवाइज सारे केस में विद द कंसेंट ऑफ अदर्स और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ड्यूली एग्जामिन्ड बाय द लोकल लेवल कमिटी दे कैन पास द स्पीकिंग ऑर्डर टू होम गार्जियन शुड बी गिवन। आप किसी को और कुछ पूछना होगा पता चले बोलिए। मैडम देखिए आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और आपको हम उसका आंसर देंगे, आपको आंसर सभी को मालूम है, बस सवाल ये है कि उसको समझने की कहां तक है, कैसे मिली। हेलो पहले तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए कि आप अपना नाम बताएंगे कहां से हैं। मैं डॉक्टर उपमा गुप्ता दिल्ली से हूँ, मेरा बेटा इसी स्कूल में पिछले 16 साल से पढ़ रहा है हर्षित भुवन। तो अब मेरा एक ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2002 में बनवाया था सर जी, और ये क्या है डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन है उसका, और यह बात से बनवाया था जी जी। तो ये एक क्वेश्चन है कि वो अभी मुझे इश्यू तो नहीं कराना होगा। देखिये इतिहास में तो वैसे डॉक्टर सिन्हा है वहाँ, इसके पहले डॉक्टर देसाई वहाँ के सीएमओ थे, आज मुझे इतिहास होना भी था वहाँ। मैंने आपको जैसा बताया अगर आपका वो सर्टिफिकेट 5 साल के अंदर में बना हुआ है, अगर नहीं उस टाइम मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ, मैं बता रहा हूँ आपको, बंदा जी ने बहुत अच्छा सवाल छेड़ दिया था भाई, मैंने आपसे नेशनल ट्रस्ट की स्कीम के बारे में शेयर नहीं किया, इन्होंने मुझे बताया यही। एक्चुअली 0 to 10 years में जो अक्रॉस द कंट्री और इवन द वर्ल्ड कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अगर डिसेबिलिटी में जो जिसे कहते हैं ना कि उसको एड्रेस किया जा सकता है 0 to 10 years के सबसे अंदर, और अर्ली इंटरवेंशन से उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, 10 years एंड अबव उसमें उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो उन्होंने डायग्नोज किया हो, इसीलिए 5 साल या 6 साल के बाद में जो कंफर्म उसके बाद में जो वो सर्टिफिकेशन करते हैं वो टिल
तक माना जाता, उसके लिए कोई पीरियड फ्रेम नहीं होता। हो सकता है आपके केस में भी अगर उन्होंने पीरियड नहीं लिखा होगा तो वो माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये MR, CP, ऑटिज्म और सर्वल पॉलिसी दे आर कंडीशन, तो उनके उसमें वो पीरियड नहीं लिखा हुआ उसमें कुछ, तो आपका वो मान्य रहे। और उसमें उसकी परसेंटेज 49 या माइल्ड मेंटली रिटार्डेड है, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कभी हम पहले, अब तो हमने क्लेम करना छोड़ दिया, पहले हम गए कि बस वगैरह, हमने कहा नहीं नहीं ये 50% है इसका, ये नहीं चलेगा, 50% से बिलो जो है वो माना जाएगा। देखिए दीज आर द वेरी, नहीं ठीक है आपका, देखिए डिसेबिलिटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, आप लोग थोड़ा सा कानून में हर विषय पर कुछ अधिकार राज्यों को है बनाने का और कुछ केंद्र सरकार का, तो राज्य सरकार कितने परसेंट पर वो देंगे छूट, कितना नहीं देंगे, ये सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश 500 रुपए देती है डिसेबिलिटी पेंशन, दिल्ली में 1500 रुपए मिलता है, गोवा में 7000 रुपए है, तमिलनाडु में है, कहाँ यूपी में, दिल्ली में 2500 लीजिए, अपडेट कर दिया आपने मुझे 1500 दिया, तो पहले 1500 था, गोवा में 7000, तमिलनाडु में इसी तरह। तो ये मतलब ये अलग अलग स्टेट का है। अब 40% पर यूपी गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है तो वंदना जी, ये सुमित जी, पारिशा जी, आप तो सुनिए भाई, आप उत्तर प्रदेश में बढ़वाइए, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है, वोट आप देते हो, आप लगाओ कि हमारा भी होना चाहिए, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा एक बेटा और है छोटा, तो जैसे गार्जियनशिप की बात हो रही थी, वो कल को बाहर चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है। अब मेरा बेटा मतलब हम लोगों के बाद आपने कहा मैं उसे अभी गार्जियनशिप दे दूंगी कमिंग 2-3 ईयर्स में, बट आई डोंट नो कि वो कहाँ जाएगा क्या करेगा उसके बाद। मेरी फैमिली में मान लीजिए कोई नहीं उसकी गार्जियनशिप लेना चाहता है, तो व्हाट विल बी डू सर, मेन क्वेश्चन हम लोगों का यही है, ये सवाल मेरा भी है। अच्छा देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, नेशनल ट्रस्ट एक्ट की स्थापना हमारे सारे साथी बोलते हैं हुई इसलिए कि व्हाट विल हैपन टू माय चाइल्ड व्हेन आई विल नो मोर, और ये वंदना जी का मेरा भी है, व्हाट विल हैपन माय चाइल्ड व्हेन आई विल नो मोर इफ चाइल्ड इज नॉट कैपेबल, द ओनली थिंग इज प्रोविजो, यहाँ ये जोड़ गया। हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन हमारी उसमें है, क्योंकि सीवियरिटी है उनकी, तो उनकी सेल्फ मोबिलिटी और वो कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से उनका सेल्फ रिलायंस या इंडिपेंडेंट लिविंग के करीब वो नहीं होते हैं, तो क्या होगा। एक तो आपको बता दें हमारे यहाँ अभी ये बहुत कम है, लेकिन डे केयर सेंटर का और उसके अलावा हमारे यहाँ नेशनल ट्रस्ट की स्कीम को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, हालांकि वो अभी बहुत कम है और गवर्नमेंट्स भी उसको करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसमें लाइफ लॉन्ग केयर की भी बात है, उसके अलावा आप कुछ महीनों कुछ सालों के लिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं अब्रॉड जा रहे हैं तो उस दौरान मान लीजिएगा आप नहीं ले जा पा रहे हैं या शादी ब्याह में कहीं जा रहे हैं, तो अपने उस बच्चे को कहीं आप जैसे भगवती चट्टा इंस्टीट्यूशन अगर ये चलाते हैं उस डे केयर सेंटर को या इस तरह की स्कीम्स को या कुछ ऐसा इंकसाज करते हैं तो वो चल सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय न्यास में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय न्यास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सारी स्कीम बनाई, जो मेजर स्कीम जो आपके सवाल का जवाब है, एक तो हमने डे केयर स्कीम बनाई, जैसे आप जैसे पेरेंट्स या जो बेचारे मजदूर वगैरह भी हैं जहां भी हैं, जो दिन में काम करने जाते हैं और 8-10 आवर्स का उनको रेस्पाइट मिले, स्पेशली मॉम्स को या और उनको, क्योंकि सारा काम उन्हें भी घर में रोटी चलानी है दाल चलाना है, और उस दौरान उनका वो चाइल्ड या एडल्ट दूसरे में भी वो वहां पर रह के कुछ